सिम्पसन शो ने इतनी सारी बड़ी घटनाएं 10-15 साल पहले ही कैसे प्रेडिक्ट कर ली, सिम्पसन्स के राइटर को ये सारी घटनाओं की जानकारी पहले ही कैसे पता थी। सिम्पसन्स के कई सारे एपिसोड्स में ऐसे इवेंट्स दिखाए गए हैं जो ठीक कुछ सालों बाद हमारे रियल लाइफ में होते हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना, 9/11 अटैक, ये सारी चीजें सिम्पसन्स में पहले ही उनके क्रिएटर्स दिखा चुके थे। बट हाउ सिम्पसन्स प्रेडिक्टेड द फ्यूचर, इस सवाल का जवाब मेरे पास है। मेरा नाम है जायरो और मुझे अनसॉल्व मिस्ट्रीज स्टडी करना और उनके ऊपर वीडियोस बनाना बहुत पसंद है। अगर आपको भी इन सारे टॉपिक्स में दिलचस्पी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये येलो कलर के कैरेक्टर्स है, इनका नाम है सिम्पसन्स और ये है उनकी पूरी फैमिली। आई एम डैम श्योर आप में से बहुत लोगों ने इन्हें इंस्टाग्राम रील्स या फिर यूट्यूब के किसी शॉर्ट्स में देखा होगा, लेकिन ये नॉर्मल सा दिखने वाला कॉमेडी कार्टून शो इतना फेमस क्यों है? कुछ महीने पहले जब भी मैं इंस्टाग्राम रील्स रोल करता, मुझे बहुत सारे रील्स किसी का एक्सीडेंट या फिर किसी की जान जा रही है ऐसे दिखते थे। उसमें मुझे एक द सिम्पसन्स की रील दिखी और उसमें डोनाल्ड ट्रंप और कोरोना वायरस के बारे में कुछ कहा गया। फिर मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। दरअसल ये फेमस है उनके प्रेडिक्शंस के लिए। सिम्पसन्स ने ऐसे बहुत सारे प्रेडिक्शंस उनके एपिसोड्स में कई साल पहले ही प्रेडिक्ट कर दिए थे, लेकिन इन्होंने ये सब किया कैसे? और अगर सिम्पसन्स के राइटर्स को ये सारे प्रेडिक्शन पहले ही पता है तो उन्होंने हमें पहले ही क्यों नहीं वॉर्न किया? कार्टून शो में क्लूज देने की क्या जरूरत है? December 1988, इस शो का सबसे पहला एपिसोड रिलीज होता है। Is it something tangible? Relax. What is mind? No matter. What is matter? Never mind. Thanks, Dad. और ये शो काफी सारे लोगों को बहुत पसंद भी आता है। ये शो काफी पॉपुलर हुआ, लेकिन जब ये पॉपुलर होना शुरू हुआ तब ये शो सिर्फ और सिर्फ इसके ह्यूमर के लिए फेमस था। इसमें दिखाए गए जोक्स लोगों को पसंद आते थे। ये शो एक्चुअली रियल लाइफ लोगों पे और रियल लाइफ इवेंट्स पे जोक बनाता था, तो लोगों को ये जोक्स काफी रिलेटेबल लगते थे। First of all, you're over 10 years old. Second, you're clearly Justin Bieber. That's another 25 bucks we'll never see. Gosh. ये शो लोगों को पसंद आने की वजह से इसके 700 से भी ज्यादा एपिसोड्स बने। मेरे इस सेंटेंस को याद रखना, 700 से भी ज्यादा एपिसोड्स। द सिम्पसन सीरीज में सिम्पसन्स फैमिली में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारी सीरीज के मेन कैरेक्टर है। टोटल 5 मेन कैरेक्टर है। होमर जो कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करता है, मार्च जो होमर की वाइफ है, और बार्ट, लिसा और मैगी, ये तीन उनके बच्चे हैं। बात करते हैं उनके प्रेडिक्शंस के बारे में, जिस वजह से ये शो काफी मिस्टीरियस है। इस वीडियो को देखिए, ये वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग प्रेडिक्शन में से एक है। सीजन 11 एपिसोड 17 सिम्पसन्स बार टू द फ्यूचर, साल 2000 में एपिसोड रिलीज करता है। उसमें दिखाया गया है कि बार्ट जो है ना वो एक आदमी से मिलता है और वो आदमी कहता है कि इस आग में तुम कोई पर्सनल ट्रेजर डालते हो तो ये तुम्हें फ्यूचर दिखाएगा। बार्ट यही करता है और खुद को अपने फ्यूचर में महसूस करता है। उसे पता चलता है कि उसके सिस्टर यूएस के प्रेसिडेंट बन चुकी है और उसी एपिसोड में ये एग्जैक्ट सीन दिखाया गया है जो ठीक 15 साल बाद हमारे रियल लाइफ में होता है। 2007 में सिम्पसन्स मूवी रिलीज होती है, उसमें एक सीन ऐसा दिखाया गया है, एक फादर अपने दो बच्चों को एक जगह पे घुमाने ले जाता है और उसके बच्चे को वो जगह इतनी खास पसंद नहीं आती। तभी टॉम हैंक्स जो एक एक्टर है अपना कैमियो अपीयरेंस देता है। उसमें आते हैं और कहते हैं लोगों का यूएस गवर्नमेंट से विश्वास जा चुका है, इसलिए उनका विश्वास जीतने के लिए वो मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। और 2022 में कोविड पैंडेमिक के बाद कुछ ऐसा ही हुआ। टॉम हैंक एक कमर्शियल में आते हैं और तब के यूएस के प्रेसिडेंट जोई बिडेन के बारे में अच्छी बातें उस कमर्शियल में बोलते हैं ताकि यूएस गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ जाए। No matter how many times we get knocked down. 1988 में सिम्पसन्स का एक एपिसोड रिलीज होता है, द विजार्ड ऑफ एवरग्रीन टेरेस नाम्स। उस एपिसोड में होमर थॉमस एडिसन जैसा एक इन्वेंटर बनना चाहता था और वो एक बोर्ड पर रैंडमली कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखता है। जुलाई 2012 में CERN ऑर्गेनाइजेशन ये अनाउंस करता है कि उन्होंने एक नया पार्टिकल डिस्कवर किया है। उस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया हिग्स बोसन पार्टिकल। इसी पार्टिकल को द गॉड पार्टिकल से भी जाना जाता है और होमर ने जो इक्वेशन लिखा था और उसकी वैल्यू गॉड पार्टिकल मास से बस थोड़ी बड़ी थी। और ऐसे कई सारे प्रेडिक्शन सिम्पसन्स ने और भी किए हैं। हमने ये सब तो जान लिया कि सिम्पसन्स फेमस क्यों है, लेकिन फिर ये प्रेडिक्शन करते कैसे है? क्या इनके पास कोई किताब है जिसमें सारे फ्यूचर प्रेडिक्शन लिखे गए हैं? इस सवाल का आंसर समझाने से पहले हम पहले सिम्पसन्स के राइटर्स के बारे में जानते हैं, जिससे कि हमें चीजें समझने में आसानी होगी। ये लिस्ट है सिम्पसन्स के अब तक के राइटर्स की। मैंने इन सारे राइटर्स के बारे में रिसर्च की और मुझे ये पता चला कि इनमें बहुत सारे राइटर्स मैथ्स गीक है, मतलब इनका एजुकेशन बहुत ज़्यादा है और इन्हें मैथमेटिक्स की अच्छी खासी जानकारी है। सिम्पसन्स के कई सारे प्रेडिक्शंस कैसे सच हुई इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या आपको पता है नंबर 7 को क्यों सबसे लकी नंबर माना जाता है?
हमारे स्कूल टाइम में और कॉलेज टाइम में एक मैथ्स का पार्ट होता था प्रोबेबिलिटी। इसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी इवेंट की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है उसके होने की। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी थ्रो टू डाइसेस तो उसमें हमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये नंबर्स आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको पूछता हूँ कि इन नंबर्स में से किस नंबर का चांस सबसे ज्यादा है आने का। मैं आपको बताता हूँ, नंबर 7 के सबसे ज्यादा चांसेस है गिरने के आफ्टर थ्रोइंग डाइसेस। देखो, अगर मुझे डाइस पे 2 नंबर चाहिए तो मेरे पॉसिबिलिटी है 1 डाइस पे 1 और दूसरे डाइस पे 1। अगर मुझे 3 नंबर चाहिए तो मेरे पॉसिबिलिटीज होंगे पहले डाइस पे 1 और दूसरे डाइस पे 2, या फिर पहले डाइस पे 2 और दूसरे डाइस पे 1। इसी तरह अगर हम सारे नंबर्स की पॉसिबिलिटीज निकालते हैं तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। और नंबर 7 की पॉसिबिलिटीज सबसे ज्यादा है। नंबर 7 के सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन है तो नंबर 7 आने के चांसेस भी सबसे ज्यादा है। कुछ लोग नंबर 7 को अपना लकी नंबर मानते हैं, लेकिन दरअसल नंबर 7 लकी होने के पीछे ये राज है। इसी प्रोबेबिलिटी का यूज करके सिम्पसन्स के राइटर्स फ्यूचर इवेंट्स को अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते थे। और जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे राइटर्स मैथ की होने की वजह से उन्हें प्रोबेबिलिटी की अच्छी जानकारी थी, तो वो लिखते वक्त उनके खुद के प्रेडिक्शन स्क्रिप्ट में लिखते थे। लेकिन एक सवाल और भी आता है, सिम्पसन्स ने इतने सारे प्रेडिक्शंस कैसे किए? 5-6 प्रेडिक्शंस ठीक है, लेकिन सिम्पसन्स के राइटर्स ने इतने सारे प्रेडिक्शंस कैसे कर पाए? सिम्पसन्स ने अब तक 31 प्रेडिक्शंस किए, लेकिन इतने सारे प्रेडिक्शंस वो कैसे कर पाए? दरअसल मैंने आपको शुरू में एक बात बोली थी, सिम्पसन्स के अब तक 700 से भी ज़्यादा एपिसोड्स आ चुके हैं। तो मेरे सवाल का जवाब भी इसी में है, जब भी नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ते हैं नंबर ऑफ सक्सेस चांसेस भी बढ़ते हैं। सिम्पसन्स ने इतने सारे एपिसोड बनाए, उनमें से उनके 31 प्रेडिक्शंस सच हुए। इसका मतलब सिम्पसन्स के सिर्फ 4.4 प्रेडिक्शंस ही सच हो पाए। दिस इज क्वाइट लो नंबर। सिम्पसन्स इतने सारे प्रेडिक्शंस कर पाए सिर्फ और सिर्फ उनके मैथ गीक्स, राइटर्स और नंबर ऑफ एपिसोड्स की वजह से। तो इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो पर ज़रूर एक लाइक और कमेंट करना।